Let's start question number 2 now. A rocket is in the form of a circular cylinder closed at the lower end. एक रॉकेट है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है लेकिन वो लोअर एंड पर एनक्लोज है, बंद है, विद अ कोन ऑफ द सेम रेडियस अटैच टू द टॉप. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास जो रॉकेट का शेप है वो ऊपर से अगर सर्कुलर फॉर्म में है, मतलब सिलेंड्रिकल सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म में है, तो नीचे उसके कोन शेप बना हुआ है और इसका रेडियस दोनों का सेम है. सो थोड़ा सा और बेटर करते हैं इसको. सो नीचे बना देते हैं एक कॉनिकल शेप कुछ इस तरह से, लोअर एंड. द सिलेंडर इज ऑफ द रेडियस 2.5 मीटर एंड हाइट 21 मीटर. सिलेंडर की रेडियस गिवन है, यस, सिलेंडर की रेडियस है 2.5 मीटर और हाइट गिवन है 21 मीटर. सो हियर इट इज 21 मीटर एंड द कोन हैज अ स्लेंट हाइट 8 मीटर. और इस कोन की ये वाली स्लेंट हाइट ये होती है ना, स्लेंट हाइट इज गिवन टू बी 8 मीटर. नाउ कैलकुलेट द टोटल एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट. अब ये जो शेप है इसका हमें टोटल एरिया भी निकालना है और सरफेस एरिया, टोटल एरिया और वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट भी निकालना है. तो पहली चीज़ आती है कि अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा. देखिए ये जो ऊपर की शेप है इसमें चारों वॉल भी है और ऊपर का एक सर्कुलर एंड भी है. चारों वॉल का एरिया प्लस सर्कुलर वॉल का एरिया, चारों वॉल के एरिया और सर्कुलर एरिया के साथ साथ हमें नीचे के कोन का भी एरिया ऐड करना पड़ेगा. नीचे के कोन का जो सरफेस एरिया होगा वो सिर्फ बाहर बाहर का एरिया होगा, राइट. तो इसका मतलब हमारी इस पूरी शेप का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या बन जाएगा. पहली चीज़ हम सिर्फ चारों तरफ की वॉल लेंगे. चारों तरफ की वॉल का एरिया मतलब आप कह सकते हैं सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो सबसे पहली चीज़ हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिया और साथ ही साथ ये ऊपर से एनक्लोज है तो इसलिए हम ऊपर का एक सर्कुलर एरिया भी लेंगे. सो प्लस सर्कल का एरिया ले लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल. और इसके साथ साथ अब जो कॉनिकल पार्ट है वो कॉनिकल पार्ट भी हमें सिर्फ बाहर बाहर से लेना है. इसका मतलब हमें कोन का भी सरफेस एरिया लेना है. तो सरफेस एरिया ऑफ कोन. अब तीनों फॉर्मूले हम कंबाइन करते हैं. सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है, दिस इज 2πRh प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. और कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, ये सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ही है ना. तो यहाँ पे आपको सी लिखना है, कर्व सरफेस एरिया, जो कि फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल. अब समझते हैं सबकी रेडियस और हाइट कैसे कैसे है. देखिए रेडियस दोनों की कॉमन है तो रेडियस में कोई चेंज नहीं है, एच और एल ऑलरेडी अलग अलग है. सो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमें जो जो चीज़ें कॉमन मिलती है वो ले लेते हैं बाहर, जैसे कि पाई और आर तीनों पार्ट्स में है तो हम इसे कॉमन लेते हैं. आप पाई और आर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2h प्लस. यहाँ से भी पाई और आर कॉमन चला गया तो यहाँ बचा सिर्फ आर प्लस, यहाँ से पाई आर कॉमन और यहाँ बचा सिर्फ एल, राइट. अब वैल्यूज़ रखते हैं. सारी वैल्यूज़ बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन के अंदर लिखी है, सारी की सारी चीज़ें हम इसमें अपडेट कर देते हैं. सो इंस्टेड ऑफ पाई लेट्स टेक 22/7, रेडियस की जगह लेट्स टेक 2.5, है ना, 2.5 इंटू 2 इंटू एच. हाइट कितनी है, हाइट इज 21 प्लस रेडियस की जगह लेट्स टेक 2.5 अगेन और स्लेंट हाइट इज 8 मीटर. सभी वैल्यूज़ हमें पता है. सो हमने ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपडेट कर दी. सो दिस इज 22/7 इंटू 2.5 इंटू, ये तीनों की तीनों चीज़ें सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट के बाहर आएगी. तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 42. 42 के अंदर हम 8 ऐड करेंगे तो आएगा 50. 50 में 2.5 ऐड करेंगे तो बन गया 52.5. ठीक है, देखिए ये 42 प्लस 8 50. 50 में 2.5 ऐड किया तो 52.5. बस अब इतना सा सॉल्व करना रह गया. ये दोनों वैल्यूज डिवाइड होती है क्या, लेट्स चेक. आई थिंक हो जाती है ना, 7 7 ज़ा 49, 3 बचा 3, यस. सो 7.5 पर ये वैल्यू पूरी डिवाइड हो गई. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, सो इट्स 22
into 2.5 into 7.5. 412.5. So here is your answer. अब रह गया इसका वॉल्यूम निकालने का. अब मैं चाहती हूँ कि वॉल्यूम आप अपने आप कैलकुलेट कीजिए, वीडियो कीजिए पॉज और अपने आप कैलकुलेट करके एंड में हम आंसर फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है? फिर मैच करेंगे कि हमारे आंसर्स सही आए कि नहीं आए. सो नाउ लेट्स टेक द वॉल्यूम थिंग. वॉल्यूम निकालने के लिए यही दोनों शेप है हमारे पास. अपनी फिगर को फिर से चेक करते हैं. मैं ये टोटल सरफेस एरिया वाला पार्ट यहाँ से रब करती हूँ. और वॉल्यूम के लिए लेट्स पुट अ फॉर्मूला. सिर्फ दो चीज़ें हैं, दोनों का वॉल्यूम रखना होगा. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, बस यही दो शेप है. सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है? टू पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये है पाई आर स्क्वायर एच. और इसका वॉल्यूम कितना होता है? इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच बाय थ्री. लेकिन इन दोनों की हाइट अलग अलग है क्योंकि अभी तक तो एल यूज़ किया था ना. तो देखिए कोन की और इसकी हाइट अलग है, हमें कोन की हाइट पता ही नहीं है, है ना? कोन की हाइट हमें नहीं पता, तो कोन की हाइट तो हमें निकालनी पड़ेगी. वो अभी सॉल्व करते हैं. सो पहले काम करते हैं, इसकी हाइट ही कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हाइट निकालने के लिए. यानी कि अगर आपको ये वाली हाइट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल अंडर रूट. एल की वैल्यू कितनी है? 8 स्क्वायर. रेडियस की जगह लेट्स टेक 2.5 का स्क्वायर अंडर रूट. ये बन जाएगा 64 माइनस 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 66.25, राइट? अंडर रूट, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. तो यहाँ बचेगा 64 में से 6 गया 8, यानी कि 7.75 कुछ इतना नहीं, 57.75 शायद बचेगा. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 64, देखिए ऐसे माइनस करना है हमें 6.25, तो यहाँ बचा 75, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 57.75. और इसका अंडर रूट भी कैलकुलेट कर लेते हैं. का अंडर रूट ये वैल्यू आती है 7.59. अब क्योंकि ये 59 है सो एक काम करते हैं, इससे अप्रॉक्स वैल्यू 7.6 ले लेते हैं. 7.6 की वैल्यू हमें h की जगह यूज़ करनी है. कौन से वाले h की जगह? जो कोन की हाइट है. सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसे पुट करेंगे. अब आते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें से कॉमन ली जा सकती है. दोनों पार्ट के अंदर पाई आर स्क्वायर कॉमन है. इसे h1 कह देते हैं, इसे h2 कह देते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. और मैंने सब मेंशन कर दिया. पाई आर स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बचेगा? h1 प्लस h2 बाय 3, राइट? पाई आर स्क्वायर फिलहाल ऐसे रखते हैं. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 h1 प्लस h2 और डेनोमिनेटर में 3 आ गया. अब रखते हैं सारी वैल्यूज. पाई की जगह लेट्स टेक 22/7. आर की जगह अब हमें क्या रखना होगा? आर की जगह 2.5 इंटू 2.5 थ्री एच वन, यानी कि सिलेंडर की हाइट विच इज 21 प्लस एच टू जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया 7.6, और इन सबके नीचे 3 है तो 3 हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं. 22/7 इंटू 2.5 और 2.5 मल्टीप्लाई हुआ तो बचा 6.25 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं विच इज़ 21 इंटू 3 63,
और ऐड किया इसमें 7.6, तो ये हो गया 607, तो 70.6। इस थ्री को थोड़ा यहाँ लिखते हैं, या अप्रोक्स वैल्यू सॉल्व करने पर आती है 461.84। मैंने 22/7 की जगह, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है कहीं, तो मैंने यहाँ 3.14 लिया, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और क्योंकि ये वॉल्यूम है सो वी हैव टू कैलकुलेट इन मीटर क्यूब।